अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक। नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से, जहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं करनाल के महिला थाना में। ये जो आप इस वक्त अपने स्क्रीन पर महिला देख रहे हैं, इनका नाम मित्तल है जो कि 22 साल की है। और सबसे बड़ी बात, इनके चेहरे पर इस वक्त जो आप आंख के नीचे नील देख सकते हैं, ये नील किसी और ने नहीं बल्कि इनके पति ने डाला है। इनके पति इनके ऊपर हाथापाई करते हैं, इनको मारते पीटते हैं, ये इनका आरोप है। जो ये आरोप लगाती हुई नज़र आ रही है कि ये अपने पति से नाखुश है, अपनी ससुराल वालों से नाखुश है, क्योंकि इनकी सास भी इनको मारती है, इनके पति भी इनको मारते हैं, जो मित्तल जो इनके आरोप हैं। एक बार क्या नाम है आपका? मित्तल अजय। मित्तल? हाँ जी। कहाँ से? मलिकपुर से जी। मलिकपुर से? हाँ जी। मैम गांव कोटेड़ा पड़ता है जी। एक सेकंड सर। हाँ जी, हाँ जी, मलिकपुर से है जी। मलिकपुर से? हाँ, कैथल के पास। हाँ जी। कहाँ शादी हुई आपकी? हाँ जी, मलिकपुर से। मलिकपुर शादी हुई है। शादी हुई तो मायके कहाँ है आप? बुढ़ेड़ा जी। बुढ़ेड़ा? बुढ़ेड़ा। हाँ जी। निकदू से? हाँ जी। शादी कब हुई आपकी? 3 साल हो गए शादी को। 3 साल हो गए मेरे को मारते पीटते हुए उसको। ये बच्चा आपका है? हाँ जी, हाँ जी। 10 दिन रखता है मेरे को घर पे। 10 दिन? एक मिनट। 10 दिन के अंदर 3-4 बार पीट देता है, फिर घर पे भगा देता है मेरे को, मार पीट के पेल देता है उसको। 3 साल हो गए यही चल रहा है जी। अब यहाँ पे मैंने दरखास्त दी थी महिला मंडल में। शादी के बाद से ऐसा हो रहा है आपके? हाँ जी, शादी के बाद से ही हो रहा है। क्यों मारते हैं आपको? वो छोटी छोटी सी बातों पे मार देते हैं मनमानो। मैं उसको उठा रही हूँ सोंदे को, फिर मेरे को बोलता है कि बच्चे के पीछे लड़ाई हो जाती है। बच्चे के पीछे भी लड़ाई हो जाती है। पहले नहीं था तब भी लड़ाई होती थी? तब भी लड़ाई होती थी। वो उसको मैं सोते हुए उठा देती हूँ तब भी मेरे को मारने आता है, कहता मेरे को छेड़ मत। अच्छा। और शराब भी पीता है, शराब पी के मारता है। काम तो वो मिस्त्री का करता है जी। मिस्त्री का काम करता है? हाँ जी। कुछ आर्थिक तंगी वगैरह भी है घर में? पैसे को लेकर भी कोई मार पिटाई होती है आपस में? पैसे तो मेरे को देता ही नहीं है जी, खाने खर्चे को भी कुछ नहीं देता है आपको? हाँ जी, ससुराल में? हाँ जी। और उसकी मम्मी भी उसके साथ में मेरे को मारती है जी, दोनों माँ बेटा पिटता जी दोनों। कौन कौन है आपके परिवार में? एक जेठ है जी, एक जेठानी है, मम्मी पापा उसके, और वो है बस। जॉइंट फैमिली है? हाँ जी, सारे एक साइड में है जी, मैं अकेली हूँ, सारे एक साइड में हो जाते हैं। तो आपको प्रताड़ित किया जा रहा है अभी अपने ससुराल में? हाँ जी, अब भी कल भी उसने मेरे घर वाले खुद बुलाए, कहते हैं तेरे घर वालों को बुला ले और ले जाएंगे तेरे को यहाँ से आके, मैं नहीं रखूँगा। आपकी आँख में अभी भी नील है? हाँ, पर नीचे सारा? हाँ जी, सारे को ना था जी। अब तो हो गए मेरे तुम्हारे, अब तो फिर भी ठीक है। कैसे मारते कैसे? हाँ जी, मेरे सिर में मुक्कों के साथ खून काला रखे उसने। मनदीप है जी नाम? मनदीप है? हाँ जी। वहीं का रहने वाला? कहते हैं। हाँ जी, हाँ जी। वो मेरे को ये बोलता है अपनी शादी की कोई है जी, वो तो वहीं पे पड़ी है। फिर अभी अभी नहीं है कोई फोटो वगैरह? नहीं। शिकायत कब दी थी आपने पहली बार? यहाँ पे मेरे को 1.5 महीने हो गया जी। 1.5 महीने में भी उसने मेरे को 6-7 बार पीट लिया। सिर्फ 1.5 महीने पहले ही आपने शिकायत दी है? हाँ जी। जो 3 साल से इतना प्रताड़ित होती आ रही है, उस बीच आपने कभी शिकायत? नहीं जी, नहीं जी। जो भी त्यौहार आते हैं उससे पहले मारपीट के घर पे भगा देता है मेरे को, रखता नहीं है, कहता है अपने भाई को बुला ले और चली जाए यहाँ से। तो महिला थाने में जब आपने शिकायत दी, उसके बाद क्या हुआ है? कोई कार्रवाई की जा रही है? उसके बाद वो अपने गांव के सरपंच सरपंच को लेके आए थे, जिम्मेदारी पे भेज दी थी मेरे मम्मी पापा ने, यहाँ पे मैडम ने भेज दी थी। मैं अब आगे मैं उनके गांव के सरपंच ने ली थी, और एक उनके पड़ोस में से ही है, पुलिस में लग रहा है वो भी, उसने भी जिम्मेदारी ली थी। फिर उसके बाद भी वो मेरे को ऐसे मारने पीटने लग गया, कहता मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अच्छा। हाँ, वहाँ थाना कौन सा लगता है? सीवन भी लगता है थाना तो वहाँ पे। हाँ जी। तो वहाँ पर भी कोई आपने कंप्लेंट? नहीं जी, मैंने तो यहीं पे की थी बस कंप्लेंट महिला थाने में। हाँ जी। तो वापस जाने के बाद कितने दिन वो ठीक रहे जब आपकी सुलह सफाई हो गई? 3-4 दिन ठीक रहे, सिर्फ 3-4 दिन। 5वें दिन तो मेरा मार दिया उसने। मैडम ने उसको ये बोला था कि इसका अल्ट्रासाउंड करवा दिया जाके, मेरे पेट में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, दर्द होता है मेरे पेट में मारने की वजह से। हाँ, जब आप प्रेग्नेंट थी तब भी आपको मारा करते? हाँ, तब भी मारा था उसने मेरा, तब भी उसने मेरा मारा था। पेट में पता नहीं क्या प्रॉब्लम थी मेरे। मैडम ने दिक्कत क्या है इतना मारने की? शराब पीकर मारते हैं, नशा करके मारते हैं? हाँ जी, नशा भी करते हैं, शराब भी पीते हैं। मिस्त्री का काम करते हैं? हाँ जी।
क्या नाम बताया आपने? मनदीप। मनदीप, और उनकी उम्र क्या है? उनकी उम्र 22-23 साल है। 22-23 साल ही है जी। 3 साल शादी हो चुके हैं। हाँ जी। तो आप देख सकते हैं मनदीप है, मलकपुर के रहने वाले हैं, 22-23 साल मनदीप की उम्र है। सबसे बड़ी बात कि जब से शादी हुई है, जो मित्तल के जो आरोप है कि जब से शादी हुई है तब से मित्तल को प्रताड़ित किया जा रहा है, मारा पीटा जा रहा है। पति जो इनके द्वारा जो जानकारी दी गई है, जिनका नाम मनदीप है, उनकी भी उम्र 22-23 साल की है। मिस्त्री का वो काम करते हैं। सबसे बड़ी बात कि नशा भी करते हैं। नशा करने के बाद किस तरीके से मित्तल को प्रताड़ित किया जाता है, अभी भी आप देख सकते हैं। इनके सर पर भी चोट लगी हुई है, आंख के पास भी काफ़ी गहरा निचले साइड नील पड़ा हुआ है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि इस तरीके के मामले कितने लगातार सामने आ रहे हैं। कल भी इसी तरीके की हमने कवरेज दिखाई थी, आज भी हम एक वैसी ही खबर दिखा रहे हैं जिसमें किस तरीके से एक महिला को प्रताड़ित किया जा रहा है। 3 साल शादी को हो गए हैं। आप कौन लगती हैं मित्तल के? मम्मी आजी। मम्मी आप? हाँ जी। क्या नाम है आपका? कृष्णा जी। आज यहाँ पर क्यों आए हैं महिला थाने में? आए तो भी नहीं, तंग करे और क्यों आंदे? क्या कहते हैं? बोली घर बैठा ले अपने नाम के दूर लगाम के कर सका नुका इस पे गए थे मैडम का। तो मैडम ने यह बोली नुका नाम तो फैसला कर सका के करा नुका अपने अंदर करवा दे पर्चा दर्द करके दी कर। मैडम क्या कह रही है अभी? मानते जिस पे केस था, जिस पे बात हुई थी मेरे, तो उसी से मैडम था इस कमरे में। उन्हें इस तरह क्या कहा, हम बाहर भगा दी नुका दूर लगे का थोड़ी मैं ठेका ले रखा नुका तेरे दी का। तो नुका ऐसे कर नुका अपने पर्चा दर्ज करवा के अनुका अपने घरा बैठा लेनु कैसे कर सका मुरो तम तो फैसले करा किसी के। फिर मखर जी आप साइन कर सकते मैडम जी, घर बैठा लेनु कहले आप बात बोले हम बाहर लेकर बैठा। क्या कह रहे हैं, घर चले जाओ? हाँ नहीं बोले घर बैठा ले अपने नैनू कह। मैं बोली जी आप पे तो केस तो मखा मैडम जी आप पे तो फिर ये ठीक नहीं बोली हमारे तक झिड़क क्या बोली फिर। अब आप लोग क्या चाहते हैं? आप लोग यह चाहते हैं अभी इसने चाहते कि इसके करवाओ कुछ समाधान तो जानना चाहती हूँ। खतरा जी, खतरा जी से या तो जमीन तलाक देना चाहती है। क्या क्या चाहते, क्या है? आप पति के साथ रहना चाहते? नहीं मैम, मैंने बहुत कोशिश कर ली उसको सुधारने की, वो सुधरेगा नहीं। बस मैं अब उसके साथ रहना नहीं चाहती हूँ। बस मैं उसको नहीं रहना चाहती। नहीं वो चाहते हैं। हाँ जी हाँ जी, वो मेरे को ये बोलता है, कहता है पति क्या चाहते हैं, मनदीप क्या चाहते हैं? वो तो ये बोलता है, कहता है मैं तो ऐसे ही मारूंगा तेरे को और ना मैं तलाक देऊंगा। तलाक भी नहीं देंगे? और ना मैं तलाक देऊंगा और मारूंगा भी ऐसे ही ये बोलता है। क्यों करते हैं? और ये बोलता है मेरे को, कहता है जब तक मेरे मम्मी पापा है ना जब तक तो तेरी इज्जत करूंगा नहीं मैं, जब मेरे पापा मम्मी मर जाएंगे ना तब इज्जत करूंगा तेरी। इन सब में कहीं ना कहीं हाथ आपके जो सास ससुर है उनका भी है? मेरी सास का है, मेरी सास उसको नहीं मारती है, मेरा मारती है, वो भी दोनों इकट्ठे होके मारते हैं मेरा। हाँ जी। ससुर भी मारते हैं आपको? हाँ ससुर नहीं मारते, सास और वो मारते हैं दोनों। सास और आपके जो? हाँ जी दोनों मारते हैं रल मिल के। समझ सकते हैं आप कि एक महिला के ऊपर क्या बीतती है जब वो शादी कर अपने पति के घर जाती है, लेकिन पति के घर में किस तरीके से, चाहे उनकी सास हो या फिर उनके पति हो, अगर कोई भी व्यक्ति इस तरीके से किसी महिला को प्रताड़ित करता है तो अपने आप में असहनीय है। और किस तरीके से जो मित्तल यहाँ पर अब खड़ी हुई है करनाल के महिला थाना में, एक बच्चे को लेकर खड़ी हुई है। कब हुआ था ये बच्चा, कितने साल का? ये 1.5 साल का है। 1.5 साल का बच्चा जी। क्या नाम है इसका? आरव। आरव है। तो आप समझ सकते हैं कि एक बच्चे को हाथ में लेकर किस तरीके से खड़ी है, और जब इस तरीके का एक कठोर फैसला लेना पड़े कि मुझे अपने पति से अलगाव चाहिए, डाइवोर्स चाहिए, तलाक चाहिए, मैं अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती, तो आप समझ सकते हैं कि एक महिला के ऊपर क्या कुछ बीतती है। और उम्र आप समझ सकते हैं कि 22-23 साल की खुद ये हैं जो इनके पति हैं मनदीप, उनकी भी उम्र इतनी ही है, और इतने कम उम्र में शादी भी हो जाती है लेकिन तलाक भी ये लोग चाहते हैं। तो आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि एक महिला पर जिसके हाथ में एक छोटा सा बच्चा भी है 1-1.5 साल का, उसके ऊपर क्या कुछ बीत रही है। आप सभी लोगों से अपील, इस वीडियो को देखें भी और इसे शेयर जरूर करें। आप देख रहे हैं आई24, मैं हूं महक शर्मा, हरियाणा के करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।